तो गाइज आज किस नए वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप कैसे न्यू ईयर 2025 के लिए कुछ इस टाइप की वायरल फोटो एडिटिंग कर सकते हैं, वो भी फ्री में पिक्सआर्ट एप्लीकेशन की मदद से। तो गाइज इस टाइप की एडिटिंग करने के लिए हमारे साथ वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम आज किस नए वीडियो का स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज इस टाइप की फोटो एडिटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले इस वाले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको यहाँ से चले आना है एडिट अ फोटो पे, और यहाँ से आपको इस वाले बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं जो भी बैकग्राउंड और पीएनजी यूज करने वाला हूँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज इस वाले बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद आपको यहाँ से चले आना है टूल्स वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से आपको क्रॉप पे चले आना है। क्रॉप पे आने के बाद आपको यहाँ से पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से इसके साइज को चेंज करके आपको कर देना है यहाँ से डन। डन करने के बाद आपको यहाँ से चले आना है इस बार इफेक्ट वाले टूल्स पे, और यहाँ से आपको चले आना है ब्लर पे, और यहाँ से आपको ब्लर को सिलेक्ट कर लेना है सेकंड वाले को। इस पर दोबारा से टैप करके आपको इसके अमाउंट को कर लेना है 7 या 8 तक, और आपको कर देना है फिर से डन। डन करने के बाद आपको यहाँ से स्क्रॉल करना है और यहाँ से आपको चले आना है ऐड फोटो पे, और यहाँ से आपको अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे में रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपका बैकग्राउंड वन क्लिक में परफेक्टली रिमूव हो जाएगा। तो गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैकग्राउंड कितना परफेक्टली रिमूव हो चुका है। इसके बाद आपको इसे कुछ इस तरह से जूम करके सेंटर में परफेक्टली एडजस्ट कर लेना है। कुछ इस तरह से आप इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। कुछ इस तरह से एडजस्ट करने के बाद आपको कर देना है डन। डन करने के बाद आपको फिर से स्क्रॉल करना है और यहाँ से फिर से चले आना है ऐड फोटो पे, और यहाँ से आपको एक पीएनजी को इसमें ऐड कर लेना है। इस वाली 2025 वाली पीएनजी को हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद आपको इसे जूम करके कुछ इस तरह से परफेक्टली ऊपर में एडजस्ट कर लेना है। कुछ इस तरह से एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ से चले आना है प्लस वाले आइकन पे, और यहाँ से फिर से ऐड पे चले आना है, और यहाँ से एक डार्क शेडो को ऐड करना है। इस वाले शेडो को हम ऐड कर लेते हैं। इस वाले शेडो को ऐड करने के बाद आपको इसे जूम करके कुछ इस तरह से नीचे में शेडो को दे देना है, कुछ इस तरह से परफेक्टली एडजस्ट करना है, और आपको कर देना है डन। डन करने के बाद आपको यहाँ से चले आना है इफेक्ट वाले टूल्स पे, और यहाँ से आपको चले आना है एफएक्स पे, और आपको यहाँ से फोर्थ नंबर पे शार्पन का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको दोबारा से टैप करना है और इसके फेड को आपको कर लेना है 80 तक, और आपको कर देना है डन। डन करने के बाद यहाँ से आपको अपनी इमेज को अब सेव कर लेना है, और यहाँ से आपको मोर पे आके अपनी इमेज को शेयर कर लेना है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पर हम थोड़ा सा कलर रिटच कर लेंगे, तो यहाँ से हम लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर शेयर कर लेते हैं। लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर शेयर करने के बाद आपको यहाँ से चले आना है एडिट्स वाले टूल्स पे, और यहाँ से आपको इफेक्ट वाले टूल्स पे चले आना है, और आपको यहाँ से टेक्सचर को हल्का बढ़ा देना है। आप इसे 10 तक बढ़ा दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ से चले आना है इस वाले क्लास वाले टूल्स पे, और यहाँ से आपको चले आना है मिक्स पे। मिक्स पे आने के बाद आपको फर्स्ट वाले के ह्यू को हल्का बढ़ाना है और सैचुरेशन को भी आपको हल्का बढ़ा देना है, 20 तक आप इसे बढ़ा लीजिएगा। इसके बाद आपको सेकेंड वाला क्लास टूल्स पर चले आना है, और यहाँ से आपको इसके लुमिनस को हल्का बढ़ाना है, आप इसे 12 तक बढ़ा लीजिएगा, और आपको यहाँ से चले आना है ब्लू कलर वाले टूल्स पे,
और इसके ऊपर आपको हल्का माइनस करना है। आप इसे कुछ इस तरह से माइनस 13 तक माइनस कर लीजिएगा और सैचुरेशन को आपको हल्का बढ़ा लेना है। कुछ इस तरह से आप इसे 10 तक बढ़ा लीजिएगा और आपको यहाँ से कर देना है डन। डन करने के बाद आपको यहाँ से अपनी पिक्चर को शेयर कर लेना है और यहाँ से आपको अपनी गैलरी में सेव कर लेना है। इसे आप यहाँ से सेव कर लीजिएगा। आपकी पिक्चर परफेक्टली गैलरी में सेव हो चुकी है। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम किस नेक्स्ट वीडियो के साथ।